पहले बेड सही कर दो। ये सो के उठने के बाद सबसे पहला काम होता है बेड शीट सही करो। मुझे मैगी बना दें आज, उनके जरूर जो आपको पहले बनाते हैं मैगी, उसके बाद फिर अपने सफाई फाई करेंगे तो नाश्ता बनाएंगे। पहले तो हम आपका ही नाश्ता बनाएंगे, ठीक है? बाद में हम आपका नाश्ता बनाएंगे, ठीक है? ये हमारे नाश्ते में लगेगा टाइम और जो का नाश्ता बन जाएगा जल्दी से। और हमें इसने अपने ना वो तोड़ दिए, वो मैं भी लगा दूंगा, मैंने बता दिया। हाँ, वो क्यों उसे निकाल दिया? वो टूटते नहीं है, निकल जाते हैं। मुझे मैं समझी टूट गए, सोफा मुझे बता रही थी मेरे शायद टूट टूट गए। नहीं नहीं वो निकल जाते हैं। और ये बिल्कुल सही लाए थे हम साबुत, देखो और ये पूरा गंजा कर दिया जोहा ने, पूरा गंजा कर दिया इसको, इसके बाल कहाँ गए सारे? वो रखे हुए थे। और पूरा इसमें वो निकाल दिए वहाँ पे। ये देखो हटो जोहा, ये सब लगेंगे वापस इसके अंदर, ये फिर एक पजल बॉक्स बन जाएगा पूरा, ये सारे कलर, हाँ सारे कलरफुल वाले इसके रखे हुए। ये पूरे हैं जोहा? हाँ ये पूरे हैं भाई, पूरे। और आज तो ना हमारा पानी भी खत्म हो गया है, ये बस है आज हमारा टैंकर, हमारे पूरे टैंकर को आज कितने दिन हो गए? आज पूरे हमारे टैंकर को 20 दिन हो गए। 21वां दिन नहीं, 20वां दिन है आज, 24 को डलवाया था हमने, आज पूरा 20वां दिन है हमारा, 20 दिन चला है टैंकर जो हमने मीठे पानी का डलवाया था। अगर वो हमारा पास और वो थी ना टैंकियाँ तो आधा बच गया था, वो हमारा पूरा महीना चलता। एक घंटे में ऐसे नहीं बात करते, जोहा को लग रही है भूख, अभी जोहा के यहाँ बन रही है मैगी, एक ही पैकेट बना रही हूँ, अगर इसको और चाहिए होगा तो मैं और बनाऊंगी। जोहा नहीं, मैं छोटे वाले पैकेट लाया, बड़ा पूरा नहीं खाती है। हाँ हाँ मेरा बेटा, मुझे पता है मुझे भूख लगी है, छोटा छोटा था मसाला मेरे, हाँ नहीं पूरा ही डालते हैं, नहीं तो वो खाती नहीं है। आप फीका बनाती हो ना? पानी फोन करना पड़ेगा उसको पानी के लिए, चमचे देना से। जब फोन करेंगे भी तो वही आएगा सुबह के टाइम, इस टाइम आता ही नहीं। टाइम आ जाएगा, टाइम आ जाते। आंटी आएंगी तो उनसे पूछेंगे ना। हमने सोचा है कि ना हमारे टैंक में पूरा टैंकर आता नहीं है पूरा ना, आधा हम डलवाएंगे आधा आंटी को देंगे, आधा हम बताऊंगे जो आंटी है वो डलवा लेंगी, तो पैसे हम लोग दोनों आधे मिला के। आंटी ने वैसे आपको बोला था ना, आंटी ने कहा था आप टैंकर डलवाओ ना, हमसे पूछना, हम तो पूछना आधा में डलवा लूंगी। हाँ तो बस आंटी से बोल देंगे ना कि आप ले लो आधा, छोटे टैंक में एक टैंकर पूरा नहीं आ रहा, और इस तरह हमें सस्ता भी पड़ेगा, सस्ता ही पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप के सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सब कितनी प्यारी सी दुआओं से मोहब्बत से और प्यार से। और ये एक प्यारी सी खूबसूरत सी सुबह का आगाज़ हो चुका है हमारा, और उठते ही पहले मैंने फटाफट से अपना बेड को, जो कि हर औरत की एक रूटीन होती है कि उठते ही पहले अपने जो है ना प्यारे से बिस्तर को ठीक कर दिया जाए, ताकि फिर इसमें उठते बैठते बैठते मज़ा भी आए। तो पहले बेड की चादर बिल्कुल ठीक कर दी है, तकिए वकिए सब बिल्कुल तरीके से लगा दिए हैं, और यहाँ पर जोहा नाते सुन रही है माशाल्लाह से। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, जोहा नाते सुन रही है, जोहा के लिए बना रही हूँ मैं नाश्ता। जोहा मांग रही थी अभी नाश्ते में मैगी, तो मैगी इसके लिए बन रही है, और इसके मैगी बनने के बाद फिर मैं बनाऊंगी अपने मेथी वाले पराठे अपने नाश्ते में, और साथ में चटनी पीसूंगी, क्योंकि मेरा दिल कर रहा है आज मैं मेथी वाले पराठे बनाऊँ, तो मैं बनाऊंगी आज मेथी पराठे। आज मैंने लिपस्टिक डार्क लगाई है थोड़ी सी, तो चले जी अब बनाते हैं, अपने किचन में जाते हैं, पहले जोहा के लिए नाश्ता बनाते हैं जो कि मैगी बन रही है, फिर हम बनाते हैं अपने लिए मेथी वाले मज़ेदार पराठे। और मैं यहाँ सोच रही हूँ हरी मिर्चें भी तलूँ, बहुत दिल कर रहा है खट्टी खट्टी हरी मिर्चें खाने का ना, तो वो भी ज़रा जो पसंद है, जो दिल करता है बंदा वो चीज़ें बना के ना खा ले, अपने हाथ का तो काम है सब बंदा खा ही लेता है बना के। तो बस जल्दी से जाते हैं अभी, मैं ये भी किचन में थी लेकिन मैं वहाँ चली गई थी, तो गर्मी इतना सर इतना मेरा पता नहीं क्यों इतना गर्म हो रहा है मेरा सर। वहाँ की तो हमारी मैगी हो गई है रेडी, अब जोहा को जल्दी निकाल के दूँ ताकि एक बच्ची का तो पेट भरे, एक बच्चा तो मेरा खाना खा ले। ये हो गई मेरी बच्ची की मैगी रेडी, तो डालते हैं अपना ग्लास और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी, जोहा का चम्मच ही मैंने छोटा रखा है, और थोड़ी सी सूप वाली मैगी बनाई है मैंने। मैं बिल्कुल खुशक कर देती हूँ ना पानी, तो कहती मम्मा खुशक मत करें, थोड़ा सा ना मुझे सूप रहने दिया करें।
और यहाँ पर थोड़ी गर्म हो रही है, इसको करते ठंडा। ये मैंने दो पैकेट और मंगवा लिए वहाँ के लिए, जो कभी कभी उसका दिल कर जाता है कहती मामा मैगी मुझे बना दें। बना हुआ जोहा की, अच्छा बना हुआ है जोहा की मैगी सूप वाली रेडी हो गई है। और जोहा के काली साहब का फोन आया था, मैंने कहा अभी 10 मिनट के बाद जरा जोहा को मैं पढ़ाने बिठाती हूँ, जल्दी से नाश्ता करो फिर स्कार्फ लो मेरा बेटा फिर पढ़ाई करो ठीक है। और जो कल काली साहब ने परसों दुआ याद करवाई थी, याद है ना घर से बाहर निकलने की दुआ बिस्मिल्लाही वाला जना, ये घर सब सुनेंगे आज। अच्छा ये कर सब सुनेंगे और जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो फटाफट से मेरा बेटा और फिर पढ़ने बैठो ठीक है। गुड गर्ल, अच्छा अच्छा पढ़ना है और सबक भी याद है ना। सही है, अच्छी बात है, सबक याद नहीं है, चलो आप बैठो मैं याद करवाती हूँ, आप ही पढ़ लो फिर मैं आपको बिठाती हूँ। अच्छा काफ़ी लोग बोले थे आप ही बेड पे क्यों बिठाती हैं, तो भाई मेरे पास अभी कोई ऐसी जगह है नहीं जो मैं बच्ची को बिठाऊँ अभी, तो इसलिए मैं यहाँ बिठा लेती हूँ। जब मैं इस कमरे को सेट करूँगी सोफ़ा सेट वगैरह लूँगी तो वहाँ बैठ के पढ़ लेगी, कोई बात नहीं है बच्चा कहीं भी पढ़ ले, पाक साफ तो है। हमारे घर में कोई छोटा बच्चा जो पेशाब वगैरह करता है पाक साफ है, और हम लोग इस बात का एहतियात करते हैं कि अगर कुरान पाक ऊपर रखा है तो हम लोग सब ऐसे ऊपर ही बैठते हैं, और जैसे कभी कुरान पाक को हम नीचे नहीं रखते, तो इतना तो हम लोग को पता है कि कुरान पाक की क्या अहमियत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्ची है सिपारा ऊपर पढ़ लेती है, बस यहाँ इसकी मैं तकिए भी मेरे साफ होते हैं, मैं तकिए पे इसका सिपारा रख देती हूँ। आज एक और चलो अच्छी बात है, पूरा पूरा टैंकर आ जाएगा फिर ना। हाँ, पहले मैं ड्राम ही भरूंगा। हाँ पहले ड्राम भरना क्योंकि वो कहता है फिर वो कहता है कि नीचे पानी जा नहीं रहा, सब जा रहा है। हाँ पहले ड्रम भर लेंगे फिर चले यहाँ पे पानी जानी हो रही है क्योंकि पानी खत्म हो गया। यहाँ पे जोहा पढ़ रही है अपना मदरसा माशाल्लाह से, सबसे पहले मैं आटा गूंदूंगी। मेथी के पराठे बना रहे हैं, मैंने ना मेथी काट के धो के रख दिए और साथ में मैंने हरा धनिया हरी मिर्च निकाली है, अब इन सबको मैं अच्छे से चॉप करूंगी अपने चॉपर में इसमें, ताकि बारीक बारीक करके डालूँ, आटा गूंदूंगी ना बारीक बारीक सब चीज़ें करके डालूँ इसके अंदर, एक साथ ही अपनी हरी मिर्च और प्याज एक साथ ही इसमें कट जाएगा और चॉप हो जाएगा बारीक बारीक। एक प्याज डाल रही हूँ मैं इसमें और साथ में ये है मेरी हरी मिर्चें, ये भी इसमें चॉप हो जाएंगी, साथ में हरा धनिया मेरा चॉप हो जाएगा इसके अंदर, और फिर हम गूंदेंगे अपना मेथी वाला आटा और साथ में बनाएंगे अपनी चटनी, जो कि एक हमारा मज़ेदार सा देसी नाश्ता होगा, मेथी के पराठे। और चलो ये एक हरी मिर्च ये रही, यहाँ पे डाल देंगे हम अपना हरा धनिया भी इसके अंदर ताकि ये भी अच्छा बारीक हो जाए। इसको तो करते हैं बंद, ढक्कन लगा के बिस्मिल्लाह। जबरदस्त है, खा ली आइसक्रीम वो हमने अपनी आइसक्रीम खाई है वो ऑरेंज वाली जो मैंने बना के रखी थी ना, तो मैंने उसको एक ऑरेंज फ्लेवर वाली आइसक्रीम भी दी है। लग तो रहा है कि हो गया जबरदस्त वाला है ना। अब चेक करते हैं, जबरदस्त हो गया। जो हाँ पीछे राउंड बेल लगता है बेटा इसमें ना वो होता है। चलो जी कितना जबरदस्त चॉप हो गया, मैं हरा धनिया को भी इसने जबरदस्त चॉप किया, बस हरी मिर्च को नहीं किया सही, बाकी हरी मिर्चें नीचे बैठ जाती हैं ब्लेड में आ नहीं रही हैं। हाँ जो चीज ब्लेड में आएगी वो तो कर देगा, जैसे धनिया को देखो कैसे धनिया को तो ऐसा कर दिया इसने बिल्कुल बारीक। चलो जी ये अच्छे से साफ करते, अब गूंथते हैं अपना आटा।
और हनी मशीन भी खाली करके मशीन में पानी भर लेंगे, सही ना। जिस दिन हमारे यहाँ पानी भर जाता है ना, उस दिन हमारा इतना गंद फैलता है कि बस। चलो जी इसको साइड पे करते हैं, अभी बर्तन अभी नहीं धुले हुए मेरे, क्योंकि पानी बिल्कुल नल को मैंने ऐसे आ रहा है, ऐसे मर मर के आ रहा है। मर मर के भी नहीं आ रहा, ये तो मरा मरा होता है ना, मरा मरा नहीं आ रहा। चलो जी इसको करते हैं अपने कचरे को साइड पे। अब घाटा निकालते हैं अपना। और आटा हम जैसे 3 से 4 पराठे का गूंदेंगे बस, क्योंकि मेथी के पराठे हैं ना, बस इतने करेंगे कि हमारा अभी का हो, अभी के लिए हो जाए, और इतना इनफ है ना। नहीं 3-4 पराठों का इनफ है, क्योंकि हम तो नहीं देख रहे कि हमारी मेथी भी हो जाए। अब डालेंगे, ये मैंने मेथी काट के रखी है धो के, और मैंने इसको काट लिया है। अपनी मेथी डालेंगे इसके अंदर पहले, और अपना जो हमने मसाला बना के रखा है हरी मिर्च और प्याज का, ये डालेंगे। अच्छा प्याज इसमें ऑप्शनल होती है, अगर इसको खानी है, मुझे अच्छी लगती है तो मैंने इसे डाली है। अब थोड़े इसमें मसाले डालेंगे अपने, जिसमें है हमारा ये मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर बनाया था ना, ये वो है। इससे खुशबू बड़ी अच्छी आएगी पराठों में। ये भुना हुआ जीरा है, और ये है हमारा भुना कुटा धनिया पाउडर, थोड़ा सा ही डालेंगे इसमें। अच्छा अब डालेंगे अपने मसाले, बेसिक मसाले, जिसमें है हमारा थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, बस। अच्छा ये हमारे दल गए मसाले, अब इसको भूनते हैं अच्छे से। ये मेथी के मसाले वाले पराठे, और इसको अच्छे से पहले करेंगे मिक्स। अच्छा जी इसमें अगर आपके पास क्रश वो है ना लहसुन, तो वो डाल दें क्रश हुआ, अगर नहीं है तो एक इतना सा हल्का सा टेस्ट के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें, और उसमें अगर लहसुन डालें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसको अच्छे से मैं करूँगी मिक्स अपने आटे के साथ। आपका आटा परफेक्टली गूंदना चाहिए मसालेदार, तब आपके पराठे ज़बरदस्त बनेंगे। अब हमें जितना जितना ज़रूरत होगी ना, उतना उतना हम आटा गूंदेंगे, और जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं उसी तरह गूंद के इसको रख देंगे। जब हमारा आटा अच्छे से गूंदेगा, फिर इसके पराठे बनाएंगे गरम गरम, और चटनी से मज़े ले लेके खाएंगे। अच्छा कभी कभी हनी ऐसी चीज़ें भी अच्छी लगती हैं ना, कभी कभी जो है ना ऐसी ज़रा देसी वाली, जैसे बेसन के पराठे हो गए, हरी मिर्च तली हुई हो गई, चीज़ें ना कभी कभी बड़े मज़े की लग रही होती हैं। चलो जी यहाँ पे हमारा आटा जो है ना ज़बरदस्त सा गूंद रहा है। क्या हुआ जोहा, कुछ भी नहीं, खाऊंगी मेथी वाले पराठे खाने मजे वाले से, छोटा छोटा सा बना के दूंगी अपने बेटे को, छोटा वाला। मेरे पास आपको खुशबू आ रही है, क्या करके आई हो, क्या कारनामा करके आया है मेरा बेबी। मैं बारिश पर कमरे में छिड़का है। क्या करके आई हो? मैं ना बारिश पर पूरे कमरे में छिड़का है, और ना सही तमाया मचा के आई हो, मतलब बॉडी स्प्रे मना कह रहा, बड़ों की चीजें में नहीं घुसते, और ना अपना ये गुंद गया हमारा आटा। अब बनाएंगे अपने पराठे। शाम हो गई, पहले मैं अपने हाथ धोऊं, ऐसे गंदे धो। हाँ अगर मैं ये वाला हाथ आपको ऐसे मार दूं तो क्या होगा? इसी वजह से एयर नहीं आई, पानी टैंक में पानी है, टैंक में पानी चढ़ाई है, थोड़ा बहुत तो है। और हमारा ये नलका बड़ा सुस्त नलका है, ये दिखने में अच्छा लगता है खाली, ये असल में ऐसे घर के लिए जिनके पास मट्टी की बोले उसकी सीमेंट की टंकी होती है ना,
उनका प्रेशर अच्छा होता है, अच्छे वाले पाइप लगे हुए ऊपर, तो ये प्रेशर से पानी देता है, वरना यहाँ पे तो ये बिल्कुल काम नहीं करता। चटनी के लिए मैंने यहाँ पे लिए नहीं अभी नहीं हुई। चटनी के लिए मैंने एक प्याज लिए और सॉरी एक टमाटर लिया है, साथ में मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें ली हैं, धो लेती हूँ उनको, थोड़ा धनिया पुदीना और थोड़ी सी इमली, बस इनको फटाफट से ना अपने चटनी भी हाथ के ग्राइंड कर लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी से हमारा खाना रेडी हो। ग्राइंड कैसे? उससे होंगे सिलबट्टे से, मुझे पता है लाइट नहीं है, हनी परेशान हो गए कि ग्राइंड कैसे करेंगे भाई, सिलबट्टे पे करेंगे और कैसे करेंगे, सिलबट्टा जिंदाबाद हमारा। यह पड़ी छुरी, छुरी देना, सिलबट्टा हमारा जिंदाबाद। थोड़ा लहसुन मैं इसमें डालूंगी ज़्यादा, क्योंकि लहसुन की चटनी लगती है मज़े की ज़रा सा। जीरा साबुत नहीं डालूंगी, भुना हुआ डालूंगी, थोड़ा बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। कभी कभी किसी दिल करता है ना बंदा चटनी खाए, हरी मिर्च तली हुई खाए, है ना। मेरे अब्बू खाते थे चटनी पीस के ना उसको फ्राई करके, हम तो फिर भी टमाटर वगैरह डालते हैं, मेरे अब्बू सिर्फ पिसी मिर्चें लहसुन जीरा इनको पीसते थे और खा लेते थे, तो कभी कभी उसको फ्राई करते थे, इतने मज़े की लगती थी। कितना टाइम है इसमें? टाइम लगेगा, बस ये बने चटनी बनेगी, अगर बनाते तो फटाफट सीखेंगे जल्दी जल्दी गरम गरम। पहले तो इससे पहले तो नहीं बने कभी हमारे यहाँ। हाँ मेथी के पराठे हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, ऐसे दिल कर रहा है नई नई चीजें खाने का, क्या करें अभी। वैसे ही घर फैलेगा, पानी का टैंकर जब आएगा। ये ताम तो उबड़ा दिखाया सारा, ये जो बर्तन इकट्ठे किए मैंने लाके, चार चार ड्रम इकट्ठे कर दिए। सही तो आपने यहाँ रख दिया था ना, मैंने वहाँ कोने पे कर दिया, मैंने कहा गिरेगा निकल जाएगा। जाओ इसको बनाओ अच्छे से, खेलो। जाओ बनाया आपने, बना के मैंने दिया, आपने तो अलग अलग किया हुआ था। हाँ इन्हें तो पूरे सारे किए थे, वो आपने सारे खोल दिए थे उसको, मैंने दोबारा से जोड़ के दिया। आप एक घंटा लगा इसको जोड़ने में, हाँ तो ये नीचे टैबो भर रहे हैं ना, अगर जमीन में जाएगा तेज आएगा। यहाँ पे अब हमारा पानी भरा जा रहा है, वो पानी भरता ना हमारे घर में बहुत गंद हो जाता है। एक मिनट इसको पकड़। नहीं भाई ये बहुत भारी है, मैं नहीं पकड़ सकती, ये बहुत हेवी है, क्योंकि ना ये बार बार सरकता है। अभी इतनी मुश्किल से पकड़ा था मैंने ये वाली भरने के लिए, तो इतनी सरक रहा था बार बार। ये तीन ड्रम हमने किसी से मंगवाए, ये छोटा है चार, फिर इसके बाद जो है अपना टैंक में डालेंगे और फिर ऊपर चढ़ाने की तैयारी भी है। फिर मेरा सारा काम पड़ा वो भी मुझे करना है, सारे बर्तन वर्तन सारे गंदे पड़े, मैंने कहा पहले पानी एक जगह भर जाए, नाश्ता भी बीच में रह गया हमारा, अब जरा पानी भर जाए फिर मैं बनाती हूँ पराठे। जो पानी भरता ना हमारे घर में आलम कुछ ऐसे होता है, गीला गीला हर जगह गीला गीला, टैंक खुला हुआ जो भी मैंने इसलिए वहाँ छोड़ा हुआ है। ये है टैंकर, चलो जी आज टैंक भी हमारा पूरा आ गया, टैंक में हमारा टैंक भी फुल हो गया। और ये चीज़ें मांगी थी इधर उधर से, तीन ड्रम चार, उसमें भी डल गया पानी, टैंकी भी भर गई ऊपर, टैंकी भर गई, अभी ज़्यादा दिन चल जाएगा पानी, क्योंकि ना ये दो तीन ड्रम भर गए ना, पिछली बार ड्रम थे नहीं हमारे पास, जुगाड़ हो गया। तो ये अभी से पहले टैंक खाली करेगा, ये हम इधर इसको डालते रहेंगे। दीवारों पे नहीं डाले आप पानी, तो सही दीवारें पानी पी लेंगी, इतनी गर्म हो रही है दीवारें, रंग उतर जाएगा। मैंने गमलों की भी थोड़ी सी ना वो की है,
थोड़ा सा खुदाई किए सी। अच्छा मैंने उनकी मट्टी को ना ऊपर नीचे किया है थोड़ी सी ना, बंदों की सही हो गई है। इसको थोड़ा तेल काट लेते हैं थोड़ा सा, मैंने इसे ना अभी ये पराठे बनाने के बाद ना इसके अंदर मैं धनिया के बीज बीज लगाऊंगी। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं धनिया उगता है कि नहीं उगता, चेक करते हैं। उग गया तो हमारी किस्मत है। उधर एक वो पिछले वाले गमले के इधर से आप एक मग्गा डालो, वहाँ भी मिट्टी अंदर ही है। इधर से वो देखो निकली ना मिट्टी, नहीं वो पत्ता है। लग गया तो सहन भी धुल गया। झाड़ू मार रही हो ना, इसमें जाएंगी छींटे। बस हो गया साफ। मैंने यहाँ पे बर्तन भी धो लिए थे, हाथ के हाथ पानी चढ़ रहा था ऊपर, मैंने बर्तन भी धो के रख दिए थे अपनी, मैंने मेथी भी धो के रख दी थी, सब्जी बनाऊंगी मेथी की। पूरा साफ़ सुथरा पड़ा है अभी। अब हस्बैंड जो है ना बाहर सीढ़ियों की सफाई कर रहे हैं। इसे भी डाल दो ना, इसे डाल दिया आज है सफाई डे। कल ली गई इतना, तो आज देखो सारा पानी जमा हो गया। जैसे वहाँ जमाया लेकिन हम वहाँ की तरह छोड़ेंगे नहीं, हम इसको बिल्कुल क्लीन करेंगे क्योंकि बच्चे खेलते हैं वही इधर। वो जा रहा है एरोप्लेन, एरोप्लेन भी जा रहा है और साथ में बर्ड्स भी उड़ रहे हैं। वो देखिए वो रे एरोप्लेन, वो जा रहा है एरोप्लेन। और खाने को भी हमारे बहुत देर हो गई है, अभी तक खाना नहीं पका। जल्दी से सफाई निमट गई, शुक्र है लगा। अब खाना पकाने की बारी आती है हमारी, पूरा साफ हो गया शुक्र। इसी वाइपर से यानी पानी सुखा देना, हाँ ऐसे आगे फैला दो। हाँ ठीक है, हमारे ही बच्चे खेलते हैं यार, गिर जाएंगे पानी में। ज़बरदस्त काम हो गया ये, हनी ये अच्छा किया आपने यार। अपने गेट की खुद ही सफाई करनी चाहिए, खुद ही अपने गेट को साफ रखना चाहिए। पता नहीं लोग कैसे, ये लोग कैसे हैं मेरी समझ से बाहर है कि आज छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं, इनको ख्याल नहीं होता कि साफ़ सुथरा कर दें। एक हल्का सा वाइपर तो लगता है, ये झाड़ू लगती है, और हालांकि पूरी मट्टी है, पूरा पानी पी जाती है ये मट्टी। हाँ नहीं यहाँ से भी कर दें। आज सही वाली थकन हो गई मुझे, चक्कर आने शुरू हो गए। अभी सफाई करके फायदे में खाना बनाना है, फिर जोहा को ट्यूशन भेजना है, फिर जोहा फिर क्योंकि वहाँ मुझे भूख लग रही है। मुझे अनार रख के गई थी मामा मेरे लिए, अनार काट दें मैं भूल गई। अभी उसके लिए पहले मैं अनार निकाल दूँ, थोड़ा अनार मैं भी खा लूँगी। रद्दी अभी आएगी ना तो देती हूँ अनार, तो जल्दी से बना के अपने पराठे। और ये देख लीजिए हमारे आटा कितना सॉफ्ट हो गया, ये देखिए। और इसका मैंने एक पेड़ा ये बना लिया अपना, एक मैंने यहाँ बेल के रख दिया। चलो पहले इसको डाल देते हैं, हमारा तवा हो गया पूरा गर्म। ये
पराठे भी हो गए, बस अब सिर्फ सब्जी बनानी है पास, बाकी पूरा काम हमारा। लेकिन आज बड़े हमारी टफ दिल है, लेकिन अभी होता है हमारे साथ जब भी पानी भरते हैं हमारा बहुत टफ हो जाता है ना, तो मुश्किल तो होती है, बहुत हो जाता है हमारा, कचरा जमा हो जाता है सारा। बर्तन की बात नहीं है, हमें उसने धोखा दिया ना, टैंक छोटा बनाया, इतना छोटा बनाया कि सिंगल टैंक नहीं आता, सिंगल भी पूरा नहीं आता। हाँ, अभी सिंगल टैंक का मंगवाते हैं हम लोग ना, तो इसके ये भी पूरा नहीं आता, तो इसलिए ना हमें यहाँ से बर्तन ले, वहाँ से ड्रम मांग। इंशाल्लाह अल्लाह ने अभी चाहा ना तो फिर एक बड़ी टंकी वो लेके रखूंगी यहाँ पे एक्स्ट्रा, ताकि पानी ना हमारा ज़ाया ना हो, पूरा पानी आ जाए। चलिए ये बन रहे जी मज़ेदार से मेथी के पराठे। और ये ना असल में ना ये चीज़ें खाने वाली होती है जैसे बारिश हो रही हो ना, ओहो बारिशों में अच्छे मौसम में बड़े मज़े की लगती है ये चीज़ें। और ये मसाले वाली मेरे से पराठे, धुआं खतरनाक है इसका, बहुत मज़े के। मैंने तो एक छोटा पराठा खाया था, मुझे इतनी भूख लग रही थी, मेरा कलेजा खींच रहा था, जब पानी चढ़ा था ना मैंने छोटा सा पराठा बनाया अपने लिए, और चटनी से, चटनी इतनी खट्टी मज़े की, चटनी से ला ला खाया। अब ये हनी को बना के दे रही हूँ गरम गरम, जबरदस्त सिखा है ना हनी, आपका नसीब बहुत अच्छा है, जबरदस्त लाल हो गया, लाल हो गया बिल्कुल, जबरदस्त सिखा है। अभी गरम खाओगे या साथ खाओगे? साथ खा लेंगे, साथ खा लेंगे, चलो सही बना लो बस। खाना खा के थोड़ा रेस्ट करूंगी, उसके बाद फिर सालन बनाऊंगी, अभी हिम्मत नहीं हो रही, बहुत थक गई हूँ, सारी सफाइयाँ की हैं, अभी डस्टिंग रहती है किचन की, वो कल करूंगी, अभी हिम्मत नहीं हो रही। ये हो गया पराठा हमारा मज़ेदार सा, ये जी जिसने भी खाना है आके हमारे मेथी के पराठे खा सकता है, खा सकता है आकर। अभी हमारा दूसरा सीख रहा है, इसी तरह अपने सारे हुए मेथी के पराठे सीख लेंगे, और इसको बहुत हल्के हाथ से ना और छोटे छोटे ही बनाएं, क्योंकि ना ये फिर टूट जाते हैं, टूटे अच्छे नहीं लगते। हर चीज़ की एक टेक्निक होती है, सही बात है। और इंशाल्लाह हम लोग अभी अभी रजब का महीना है ना, हम वो मीठी टिक्की, काफ़ी लोग मुझे बोले थे आप वो मीठी टिक्कियों की रेसिपी शेयर करें, तो ये जो मीठी टिक्की है ना ये मुझे भी नहीं आती, कुंडे अम्मी बनाएंगे आगे, कुंडे आएंगी जुम्मे वाले दिन, तो हम लोग हफ्ते की रात में पकाएंगे पूरी रात, सारी रेसिपी दिखाएंगे, पूरी आपको डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि इससे मुझे भी आइडिया रहेगा कि नेक्स्ट टाइम कभी अल्लाह पाक अम्मी को जिंदगी दे हमें भी आनी चाहिए। सही बात है, तो अभी है ना क्या रिकॉर्ड रहेगा हमारे पास, कभी भूल जाए तो हमारा देख के बना लेता है। और मेरी अम्मी के हाथ की टिकिया ऐसी होती है ना, वो जबरदस्त, हम लोग महीना महीना रखते हैं, महीना महीना रख के खाते हैं, इतना मजे की होती है। दूसरा पराठा आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा मेथी के पराठे, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप ही बने थे। फिर आप लोग जब बोलते हो ना कि आप ही हमने ये बनाया, कोई कहता मैंने बैगन बनाए, मैंने वो टिक्का बिरयानी बनाई, तो मुझे इतनी खुशी होती है, आप लोग जब बोलते हैं आप ही बहुत मज़े के बने थे, तो मुझे बहुत खुशी होती है, मेरी मेहनत ना वसूल हो जाती है, जो मेरा पर्पज होता है कि मैं जो आप चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो वो जब कोई बोलता है ना आप ही हमने बनाई वो मज़े की बनी, तो बहुत खुशी होती है और मेहनत वसूल हो जाती है कि चलो जो हम सिखा रहे दिखा रहे एटलीस्ट किसी को फ़ायदा हो रहा है, तो अच्छी चीज़ बन रही है। सही बात है, मैं खुद भाई बहुत सीख रही होती हूँ अभी भी, वो कहते हैं ना सीखने का अमल आपका जिंदगी भर चल रहा होता है। ये हो गया हमारा दूसरा पराठा अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए कितना सूख सूख रेडी हुआ है। ये दूसरा पराठा आ गया, अभी तीसरा पराठा, ये हो गया हमारा पराठा रेडी। चलो ये है हमारी चटनी और ये है हमारे मेथी के पराठे, साथ में अनार निकाल लिए, हो गया पराठे। आ जाओ भाई खा लो, यहीं बैठते हैं, सही मज़ा आ रहा है। चप्पल हटा दो ज़रा, अरे अरे चप्पल ठंडे फ्रेश पे बैठ के खाने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। आ जाओ भाई जो, हाँ आ जाओ,
अपने अनार यहाँ ले आओ बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाओ हनी, आ जाओ बेटा, खाना नाश्ता करो। अम्मा अनार का जूस ओ खाना खाओ, अनार का जूस नहीं अनार खाओ, ऐसी बैठो ऐसे बैठो, खाओ पराठा भी खाओ मेथी का। चीज़ें से जान आती है इससे, आप दिखाती हो ना हमेशा अपनी बॉडी, तो ऐसी ऐसी चीज़ें खाते हैं इससे जान आती है। ठीक है पराठा खाओ, हेल्दी चीज़ से जान आती है। हाँ ये भी हेल्दी है, तो कम कम खाओ, कम कम, अच्छे बच्चे कम कम खाते। हाँ थोड़ा थोड़ा जितना मुँह में आए ना उतना, गुड गर्ल खा लो, गुड। सबसे पहले मैं खाऊंगी थोड़ा सा अनार, खट्टे हैं मीठे कैसे हैं? मीठे 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 अनार मीठे। चलो भाई अब खाते अपने पराठे मजे वाले। मम्मा पढ़ाए हस्बैंड ने, खा के बताएंगे कैसे बने हैं। हनी अच्छे बने हुए, अब हनी को भूख लग रही है, बोला नहीं जा रहा है ना, पेट में चूहे और दौड़ ले हनी के, इसलिए हनी कुछ बोल ही नहीं रहे। ये है गरम गरम पराठे, मुझे पता है। और मेरी बेटी के पेट में क्या कुदरा, ये लो पराठा खाओ, हेल्दी पराठा, हेल्दी हेल्दी पराठा खाते हैं। छोटा सा है इतना, देखो आपको बताइए कितना छोटा है ना ये। चलो, ये ऐसे चलो हाथ में रख लो, एक खा लो, एक रख लो हाथ में, एक एक खा लो, एक गुड गर्ल, ऐसे खाते हैं अच्छे बच्चे बेटा। ये देखिए कितने खस्ते पराठे हैं, इसमें प्याज भी बिल्कुल बारीक हुई हुई है ना, तो देखें ये देखिए नजर आ रही प्याज आपको, ये नहीं कोई भी चीज़ मुँह में नहीं आ रही, कोई भी चीज़ मुँह, हाँ कोई भी चीज़ मुँह में नहीं आएगी। चटनी भी अच्छी बनी हुई है, चटनी से मजे का लग रहा है। हाँ मम्मा चटनी से खा लूँ? और भुने हुए जीरे का अलग ही टेस्ट आ रहा है, बड़ा मजे का लग रहा है। और चटनी से खा लूँ? जिससे हाँ खाओ, चटनी मिर्ची नहीं है, खाओ वही वाली मिर्ची वाली थोड़ी है, है? मैंने हाँ मिर्ची नहीं डाली, कम डाली है, खट्टी है, खट्टी खट्टी है, मिर्ची मत डालिए करें, खट्टी नहीं है, खाओ आप, खट्टी है मेरी जान। कैसा सुकून सा मिला है, कितना सुकून मिला है खाना खाने के बाद। हस्बैंड अभी भी खाना खा रहे हैं, उनका खाना चल रहा है, जोहा खा चुकी है अपना अनार, तो मैंने कहा व्लॉग को भी एंड करती हूँ, फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, रेस्ट करने के बाद फिर शाम को खाना पकाऊँगी, सब्ज़ी देखो सब्ज़ी बनाती हूँ या दाल बनाती हूँ, जो भी दिल किया वो बनाऊँगी इंशाल्लाह। अभी व्लॉग को एंड करते हैं, आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह फिर अच्छे से नए व्लॉग के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, और जो न्यू चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देगा और जरूर बताएगा कि आपको मेरे मज़ेदार से मसाले वाले मेथी के पराठे कैसे। जिसको भी खाना है आके खा लीजिए, जिसको भी खाना है जोहा ने कहा है आके खा लो सब। देखो जोहा आपको सबको खुला इनवाइट करती है कि आके ना खा लो हमारे साथ, हमारे दस्तरखान पे बैठ जाओ, हमारे दस्तरखान की शान बढ़ाओ, रौनक बढ़ाओ, क्यों भाई है ना भाई, क्योंकि मेहमान तो भाई मेहमान तो वो होते हैं ना, मेहमान तो अपना रिस्क खुद लेके आते हैं, शान होते हैं घर की है। आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ कर दो, अल्लाह हाफिज़, पापा अल्लाह कर दो, और पापा खाना खा रहे।